everyone, I'm Sandeep and I hope you all are well. Welcome back to my YouTube channel Punjabi Makeover Tips. आज के वीडियो में मैं आपको कुछ नए प्रोडक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ स्पेशल फॉर हेयर केयर. अभी वेडिंग सीजन जा चुका है, हमने जो वेडिंग में काफी क्या है कि हम हेयर स्टाइल जो बनाते हैं तो हम जो हेयर टूल्स होते हैं जो हीट प्रोवाइड करते हैं हमने वो यूज किए होते हैं. मोस्टली कर्लर हो गया, ठीक है, बालों को स्ट्रेट करते हैं. नेक्स्ट आता है जब हम बालों पर कोई केमिकल यूज कर लेते हैं तो हमारे बाल काफी ड्राई हो जाते हैं. पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपने बालों पर कलर करवाया जिसकी वजह से मैं काफी बालों में ड्राईनेस फ्रीजीनेस फील कर रही थी. अब मैं यूज कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, इनके साथ बाल सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और शाइन करते हैं. तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ पहले सबसे आप उसकी अनपैकिंग की वीडियो देख सकते हैं. सो ये बॉक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है वाओ सम टू सम हेयर केयर किट फर्स्ट. इज इस किट में आपको मिलेगा एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड सेकंड कोकोनट एंड एवोकाडो हेयर कंडीशनर. इस किट में हमें मिलेंगे टू स्टेप हेयर केयर फॉर स्ट्रॉन्ग स्मूथ एंड ग्लोसी हेयर. जो वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट हैं ये सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स हैं. नेक्स्ट जो ये प्रोडक्ट हैं ये पैराबन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं, सिलिकन फ्री हैं एंड मिनरल ऑयल फ्री हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैम्पू और कंडीशनर की आउटर पैकेजिंग. वाओ स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट हैं ये मेड इन इंडिया है. टोटल इन दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी इस किट में हमें मिलेगी 600 ml. इसमें शैम्पू की क्वांटिटी होती है 300 ml एंड कंडीशनर की क्वांटिटी होती है 300 ml और इसका प्राइस है 994. फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है शैम्पू जिसमें यूज किया गया है एप्पल साइडर विनेगर का, जिनकी स्कैल्प पर बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, ठीक है. ये डैंड्रफ को रिमूव करने में काफी हद तक हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट जो ये एप्पल साइडर विनेगर है इसके साथ आपके बाल शाइन करेंगे और काफी अच्छे से आपके बाल जो फ्रीजीनेस नहीं आएगी अगर आप इस शैम्पू का यूज करोगे. नेक्स्ट क्या है कि हम क्या है कि हेयर टूल यूज करते हैं उनमें बहुत हीट होती है, जैसे कि बाल स्ट्रेट करते हैं, हम बाल कर्ल करते हैं, ठीक है, उनके साथ बाल डैमेज हो जाते हैं जब हीट लगती है बालों को, ठीक है. सो जो ये शैम्पू है आपके बालों को काफी हद तक रिपेयर करने में हेल्प करेगा. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग और इंग्रेडिएंट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बॉटल है ना ये प्लास्टिक की है, कांच की नहीं है. अगर गिरती है तो जो ये बॉटल है टूटती नहीं है, ठीक है. सो ये काफ़ी अच्छी है, हम क्योंकि प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर ये टूट जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. काफ़ी अच्छी थिंग है कि ये प्लास्टिक की है. अब हम बात करते हैं इन्ग्रीडियंट्स की. इसमें यूज़ किया गया है एप्पल साइडर विनेगर, प्योरीफाइड वाटर, नेटर लीफ एक्सट्रैक्ट, सो पॉलमेटो एक्सट्रैक्ट, एलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, सोडियम बेजोएट, नेक्स्ट इज पोटेशियम सोर्बेट, फ्रेग्रेंस एंड कलर का यूज किया गया है. वाओ स्किन साइंस की जो ये हेयर केयर किट है ये स्पेशल कलर ट्रीटेड हेयर के लिए भी है. नेक्स्ट डैंड्रफ प्रोन हेयर जिनके हैं उनके लिए भी है, ठीक है. मैंने कलर करवाए थे, बाल काफ़ी ड्राई फील कर रही थी, सो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गए. सो मैं इन प्रोडक्ट के साथ रियली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ. अगर किसी के कलर किए हुए हेयर है तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप ज़रूर वाओ के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए. नेक्स्ट जो ये शैम्पू है अगर इसका ओनली प्राइस बताऊँ तो इसका प्राइस है 499. मैं सजेस्ट करूँगी आप शैम्पू के साथ कंडीशनर ज़रूर यूज़ कीजिए. सो जो ये प्रोडक्ट है इनकी जो पैकिंग है काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी प्यारी सी पैकिंग है, ठीक है. सो आप पंप देख सकते हैं और आउटर पैकेजिंग देख सकते हैं, ठीक है. अगर आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपका इन प्रोडक्ट के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा. फर्स्ट इज आपको शैम्पू लेना है आपके अकॉर्डिंग टू लेंथ, आपके बाल कितने लंबे हैं, ठीक है, कितने हैवी बाल हैं, अकॉर्डिंग टू आपके बाल कितने गंदे हो चुके हैं, आपने कितने दिनों तक वॉश नहीं किया है. जो स्कैल्प है उसे क्लीन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कैल्प से ही बालों की ग्रोथ होनी होती है, ठीक है. शैम्पू लेना है अकॉर्डिंग आपके बाल कितने लंबे हैं, ठीक है, स्कैल्प को कितने अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है. सो आपको शैम्पू लेना है और अच्छे से इस तरह से आपको अपने
फिंगर टिप्स के साथ जो स्कैल्प है शैम्पू के साथ अच्छे से मसाज करनी है ताकि जो डर्ट डस्ट और ऑयल जमा होता है स्कैल्प पर वो अच्छे से रिमूव हो सके। एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं आपको बालों को आगे की तरफ लेकर वॉश नहीं करना है। जिस तरह से अपने बाल पीछे होते हैं ठीक है, सेम उसी तरह से हाथों में शैम्पू लेना है, पहले बालों को वेट करना है, आफ्टर दैट इस तरह से आपको सिर पर मसाज करनी होती है शैम्पू की ठीक है, जिसके साथ ऑयल डर्ट डस्ट निकलेगा और जब स्कैल्प क्लीन होगी तो हमारे बाल अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। जब हमारा शैम्पू डन हो जाता है ठीक है, जब बाल वेट होते हैं फुल्ली वेट होते हैं ठीक है, तभी हमें अप्लाई करना होता है कंडीशनर। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कंडीशनर को अप्लाई करने का सही तरीका नहीं पता है ठीक है, आपको अपनी लेंथ के और अकॉर्डिंग जो कंडीशनर लेना है ठीक है, जो कंडीशनर है उसे ओनली हमें लेंथ में लगाना होता है, स्कैल्प में हमें कंडीशनर नहीं लगाना। ध्यान रखिए जब भी आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं आप कोशिश कीजिए कि आपको इतनी जगह ठीक है, स्कैल्प से इतनी जगह छोड़कर नीचे वाले बालों में पूरी लेंथ में आपको कंडीशनर लगाना है ठीक है, स्कैल्प में कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाना है, जो कंडीशनर होता है ओनली लेंथ में लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाओ स्किन साइंस का जो कंडीशनर है उसकी आउटर पैकेजिंग। अब हम बात करते हैं इस कंडीशनर में किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरीफाइड वाटर, स्टील एल्कोहल, सोडियम पीसीए, डीपैथनोल, विटामिन डी, विटामिन ई, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल ठीक है, नेक्स्ट इज स्वीट आलमंड ऑयल, कास्टर ऑयल, जजूबा ऑयल, आर्गन ऑयल और फ्रेग्रेंस का यूज किया गया है। जो ये कंडीशनर है अगर मैं इनके बेनिफिट की बात करूं, जिनके बाल थिन होते हैं वीक होते हैं जो ये कंडीशनर है स्पेशल उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट जिनके बाल हीट लगने के साथ डैमेज हो जाते हैं ठीक है, सो उन हेयर को रिपेयर करने में जो ये कंडीशनर है हेल्प करेगा। जो ये कंडीशनर है इसमें आपको मिलेगा 300 ml प्रोडक्ट और इसकी क्वान्टिटी 300 ml होने पर आपको प्राइस पड़ेगा 495। जब मैं इन प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ मोस्टली शैम्पू करने के बाद जब मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, शाइन करते हैं, मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैंने अपने बालों पर कैरा स्मूथ करवाया हो ठीक है। सो इतने अच्छे इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं ठीक है, ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है। अच्छा जी, जो कंडीशनर होता है वो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगाकर रखना है, आफ्टर देन आप वॉश कर सकते हैं ठीक है। जो कंडीशनर है अगर आप मंथ में मान लो आप 6 बार या 7 बार 8 बार वॉश कर रहे हैं ठीक है, अगर आप 7 बार कर रहे हैं आप 6 बार नॉर्मल 2 से 3 मिनट कंडीशनर कीजिए। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने अच्छे बाल चाहते हैं देन आप मंथ में 1 बार डीप कंडीशनिंग जरूर कीजिए ठीक है। वैसे आप 2 से 3 मिनट जो कंडीशनर है लगाकर वॉश कर सकते हैं, बट आपको डीप कंडीशनिंग किस तरह से करनी है, वॉश करने के बाद शैम्पू करने के बाद आपको जो कंडीशनर है उसे बालों में लगाकर ठीक है 30 मिनट तक रखना है, आफ्टर देन किसी भी पॉलोथीन या शावर बैग के साथ आप अपने बालों को कवर कर लीजिए, आपको कंडीशनर 30 मिनट तक लगाकर रखना है, आफ्टर देन आप वॉश कीजिए। डीप कंडीशनिंग करनी काफी इंपॉर्टेंट है जिसके साथ बाल आपके सॉफ्ट स्मूथ और भी शाइनी होंगे। तो ये था आज का रिव्यू वीडियो, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताइए ताकि मैं उन पर और भी वीडियोस अपलोड कर सकूं जो आपके इशू हैं ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है वाओ स्किन साइंस के काफी अच्छे हैं, इनके साथ आपके बाल रियली बहुत सॉफ्ट स्मूथ और हेल्दी होंगे। मैं भी अभी यूज कर रही हूँ वाओ के प्रोडक्ट, काफी अच्छे हैं, जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप इन प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो भी लिंक होगा आप उन्हें क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट को परचेज करने में आपको काफी हेल्प होगी ठीक है। सो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।